दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे, जिस गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी और सोलर सिस्टम मौजूद है उसका नाम मिल्की वे है। पर इस ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे ही अकेली गैलेक्सी नहीं है। इस ब्रह्मांड के एवोल्यूशन और कंपोजिशन को ढंग से समझने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाने की कोशिश की इस ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी मौजूद हैं। अंत में वो जिस नतीजे पर पहुंचे वो बहुत चौंकाने वाला था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इस समय के हमारे ऑब्जर्वेशन डाटा के आधार पर इस ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी मौजूद हैं। तो चलिए चलते हैं इस रोमांचकारी सफर पर। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो साइंस में। दोस्तों, अंधेरी रात में जब हम आसमान को देखते हैं तो इसमें हमें जितने भी तारे दिखाई देते हैं सब के सब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद होते हैं। इसी कारण काफी लंबे समय तक हमें ये ही लगता था कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही गैलेक्सी है और वो मिल्की वे ही है। इस सोच में बदलाव आया साल 1924 में, जब एडविन हबल ने कई सारे स्पाइरल नेबुला में वेरिएबल स्टार आइडेंटिफाई किए। इस स्टार की मदद से उन्होंने उन सब स्पाइरल नेबुला का डिस्टेंस कैलकुलेट किया। अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये स्टार मिल्की वे से इतने ज्यादा दूर मौजूद थे कि वो मिल्की वे का हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे, यानी कि मिल्की वे से बाहर मौजूद किसी और गैलेक्सी का हिस्सा थे। उस समय ये एस्ट्रोनॉमर्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इस ब्रह्मांड में आखिर कितनी गैलेक्सी मौजूद हैं। इसका पहला रिलायबल एस्टीमेट हमें सन 1995 में मिला, जब हमने हबल टेलीस्कोप को बहुत ही छोटे रीजन्स पे लगातार 10 दिन तक फोकस किया तो ये फोकस एरिया पूरे अंतरिक्ष का मात्र 24 अरबवां भाग था। पर इसमें भी हमें 3000 नई गैलेक्सी का पता चला। इस फोटोग्राफ को हबल डीप फील्ड नाम दिया गया। अब इस इमेज के केवल सेंटर पर अगले 10 सालों तक फोकस किया गया तो इस छोटे से एरिया के 10 साल के डेटा को असेंबल करके जब उसे अल्ट्रा वॉयलेट विजिबल लाइट में ऑब्जर्व किया गया तो पता चला यहाँ कम से कम 9500 नई गैलेक्सी मौजूद हैं। अंतरिक्ष के एक छोटे से भाग में जब इतनी सारी गैलेक्सी मौजूद हो सकती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी मौजूद होंगी। साल 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एस्टीमेट किया था कि हमारे ब्रह्मांड में कम से कम 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद होंगी, और नासा के न्यू स्पेस प्रूफ के साथ साल 2021 के डाटा के अनुसार अब हमारे पास नया एस्टीमेट है। दरअसल इस समय के डाटा के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में लगभग 200 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद होनी चाहिए। ये मात्र एक एस्टीमेट है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले समय में चेंजेस हो सकते हैं, पर ये नंबर केवल उन गैलेक्सीज का है जो केवल हमारे ऑब्जर्वल यूनिवर्स में मौजूद है। यानी कि ये वो गैलेक्सीज हैं जिन्हें हम अपने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये केवल वो गैलेक्सीज हैं जिनकी लाइट इस ब्रह्मांड के निर्माण के बाद से हम तक पहुँची है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इसमें कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट भी मौजूद हैं जिनकी लाइट ब्रह्मांड के निर्माण से आज तक ना तो हम तक पहुंच सकी और ना कभी पहुंच सकेगी। ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे ऑब्जर्वल यूनिवर्स की रेंज से बाहर मौजूद हैं, इसलिए इन्हें ना तो हम कभी देख पाएंगे और ना ही कभी इनके बारे में जान पाएंगे। ये ही कारण है कि हम ये जानते हैं कि ऑब्जर्वल यूनिवर्स के आगे भी ब्रह्मांड मौजूद है, पर ये कहाँ तक फैला हुआ है ये ना तो हम जानते हैं और ना ही कभी जान पाएंगे। पर एस्ट्रोनॉमर्स ने अलग अलग टेलीस्कोप के डाटा के आधार पर ये पता लगाया है कि ये एस्टीमेट ऑब्जर्वल यूनिवर्स में असल में मौजूद गैलेक्सीज के नंबर से 10 गुना कम हो सकते हैं। पर वो ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि करंट जनरेशन के टेलीस्कोप इस समय ब्रह्मांड में मौजूद 90% गैलेक्सी को ऑब्जर्व करने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि ये गैलेक्सीज या तो हमसे काफी ज्यादा दूर मौजूद हैं या तो इनकी रोशनी काफी ज्यादा कम है। इस लिमिटेशन के कारण एस्ट्रोनॉमर्स इन गैलेक्सी का अंदाजा केवल मैथमेटिक कैलकुलेशन और मॉड्यूल के आधार पर लगाते थे।
आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।